Welcome to Real Life Networking Skills. So guys, today we will focus on how to troubleshoot the MAC flapping issue. Guys, MAC flapping issue क्या है आपका? That means कि आपका same MAC address क्या है, आप different different port के ऊपर क्या है learn कर रहे हो. That means guys क्या है आपका जो layer 2 network है, इसमें क्या है आपका loop क्या है create हो गया. Let's see guys, like ये जो issue है commonly आपको like जो real network में जब आप Wi-Fi use करते हो तो गाइज ये इशू क्या है आपको कॉमनली मिलेगा. सो यू सी गाइज, इन दिस सिनेरियो जो मेरे पास क्लाइंट ए है जो कि वाईफाई के थ्रू क्या है मेरे नेटवर्क में क्या है कनेक्टेड है. लेट्स से गाइज जो मेरा क्लाइंट ए है वो इस एपी से कनेक्ट है और इस एपी के थ्रू गाइज क्या है हम कोर को ट्रैफिक भेज रहे हैं इस डायरेक्शन से. एंड आफ्टर सम टाइम गाइज जो मेरा क्लाइंट है वो क्या है मूव करता है वो और वो किसी दूसरे एपी को कनेक्ट हो जाता है. तो इस केस में गाइस क्या है जो मेरा कोर स्विच है इस कोर स्विच के ऊपर क्या है आपके पास क्या है बैक फ्लैपिंग के क्या है लॉग मैसेज क्या है जनरेट होंगे. लाइक जो क्लाइंट का मैक एड्रेस है ए तो गीगाबिट 0y0 एंड 0y1 पे क्या है फ्लैप हो रहा है. तो जनरली गाइज एज ए शोड यू वाईफाई नेटवर्क में गाइज ये इशू क्या है कॉमन है और इन मैसेज को क्या है हम इग्नोर करते हैं. एंड फर्दर गाइज अगर आपको मैक फ्लैपिंग का इशू क्या है ट्रेस करना है तो सिंपली गाइज हम ये कमांड यूज करते हैं और जिस मैक एड्रेस के लिए क्या है हमें मैक फ्लैपिंग का इशू आ रहा है तो उस मैक को मैं क्या करता हूँ मैं ट्रेस करता हूँ. एंड जनरली अगर वो आपकी जो ट्रेसिंग है वो अगर आपके एपी पे एंड हो रही है तो उसको आप क्या इग्नोर करोगे. सेकेंडली गाइज लाइक जो रियल नेटवर्क में ये मैंने इशू फेस करा सो इस सिनेरियो में सो लेट्स से गाइस जो हमारा सर्वर है सो वो उसके क्या दो पोर्ट कनेक्टेड है. सो दिस इज अ फिजिकल डायग्राम. ओके तो आई एम अज्यूमिंग लाइक जो आपके जो ये दोनों स्विचेस हैं वो इधर क्या है स्टैक में है और अगर आप डाटा सेंटर की बात करते हो तो दैट मीन्स क्या आपने क्या बीपीसी कन्फिगर करा हुआ है. तो लॉजिकल डायग्राम गाइज आपकी क्या ये बन जाती है. तो इस केस में गाइज लाइक सम टाइम जो सर्वर टीम है वो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ओके वो क्या करती है अपने साइड क्या कर देती है LACP क्या ऑन कर देती है जो सर्वर साइड पे गाइस इसको क्या बोलते हैं निक टीम भी बोलते हैं. तो इस केस में गाइस लाइक जो सर्वर है दे आर नॉट रनिंग स्पैनिंग प्रोटोकॉल ओके. तो मेक श्योर गाइस अगर सर्वर साइड पे LACP क्या ऑन है तो आपको स्विच साइड पे भी क्या है पोर्ट चैनल क्या कन्फिगर करना पड़ेगा. अदरवाइज गाइज अगर आपने वन साइड अगर आपने LACP क्या ऑन कर दिया लेट्स से सर्वर टीम ने क्या है निक टीम ही क्या कॉन्फ़िगर कर किया और स्विच साइड पे क्या है LACP क्या ऑन नहीं है तो उस केस में भी गाइज क्या है आपको इस स्विच के ऊपर क्या है मैक फ्लैप के क्या है लॉग मैसेज क्या है जनरेट होंगे. तो डेफिनेटली गाइज दोनों साइड क्या है आपको LACP क्या है कन्फिगर करना पड़ेगा. अगेन गाइज अगर आपके पास जब भी नेटवर्क में क्या मैक फ्लैप इशू आता है तो आप सिंपली गाइज आप क्या करते हो लेयर टू ट्रेस रूट करते हो यानी कि जिस मैक एड्रेस के लिए आपके पास ये इशू आ रहा है तो उस मैक को आप दोनों पोर्ट से क्या आप ट्रेस करोगे. सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.